आप दोस्तों इस पेड़ को देख रहे होंगे, देखिए ये काफ़ी लंबा पेड़ है, बट ये पानी को जैसे डूब चुका है उतना। और देखिए ये रोड का कंडीशन, रोड पे सभी लोग मस्ती कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से पानी गिर रहा है रोड के उस साइड से इस साइड, और काफ़ी तेज़ी से। और यहाँ सुबह में कुछ था नहीं, सभी कोई अपने अपने सामानों को लेकर के आ रहे हैं, और इस धार में चलना तो काफ़ी मुश्किल होता है। आप दोस्तों इस बेचारे को देख रहे होंगे, ये बेचारा फंस चुका है बीच में, बट देखिए यहाँ पे सभी कोई वीडियो बना रहे हैं। और ये काफ़ी बहुत ही जल्द आ चुका है, ये जून के मंथ में कभी आता ही नहीं था बाढ़ का पानी इधर। इधर बाढ़ का पानी आता था जुलाई और अगस्त तक ही आ जाता था, लेकिन ये जून में ही आज गया है काफ़ी जल्दी और इतना तेज़। देखिए काफ़ी लोग जा रहे हैं उस साइड, एक और गांव है, ये स्कूल है। और आप इस एरिया को देख रहे होंगे, पूरे जगह वाइट वाइट ही दिख रहा होगा, कहीं हरियाली नहीं दिख रही है, सब वाइट वाइट, सब पानी से ही भर गया है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पानी गिर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोअर एरिया है, उधर हायर एरिया से पानी इधर लोअर एरिया में काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। और रोड पे लोग चल रहे हैं, अभी शाम का समय हुआ है तो वीडियो भी उतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन शाम के समय देखिए शाम होते होते इतना पानी आ गया, अब रात तक लगता है कि इस पे चढ़ ही जाएगा। देखिए ये ऊंचा है लेकिन चढ़ जाएगा कि इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों काफ़ी लोग जा रहे हैं सामान लेकर के, इधर काफ़ी भीड़ है, देखिए गाड़ियों की संख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, कोई अपना बाइक लेकर के नहीं जा रहा है इधर, क्योंकि बाइक का पूरा चक्का डूब जा रहा है इधर। और आप इधर देख रहे होंगे काफ़ी लोग आ रहे हैं अपने घर जाने के लिए, इधर एक और गांव पड़ता है तो इसलिए सभी लोग जा रहे हैं अपने घर। और देखिए अभी यहाँ पे पानी कम है और वहाँ पे ज़्यादा पानी है, देखिए सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पानी तो काफ़ी आ चुका है। और आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ भी काफ़ी तेज़ी से पानी गिर रहा है इस रोड पे, और तेज़ पानी गिरना शुरू हो गया। देखिए अभी अभी वीडियो बनाते बनाते समय देखिए काफ़ी तेज़ी से पानी गिरने लगा। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे पानी के अंदर का जो वेव होता है काफ़ी तेज़ है, देखिए यहाँ जाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, कि ये भाई साहब बाइक लेकर के जा रहे हैं, देख आप ही खुद देख लीजिए यहाँ पे कितना पानी है, और आगे जाएंगे तो इनका पूरा आधा चक्का तो डूब ही जाएगा। और यहाँ कोई अकेले नहीं जा सकते हैं क्योंकि गिरने का चांस ज़्यादा है। और ई रिक्शा को देखा जाए क्या होता है हाल आगे चलने के बाद, या भी रुक गया, देखिए बाइक लेकर के नहीं जा रहे हैं आगे, इतना तेज़ वेव है पानी के अंदर। देखिए दोस्तों ये जा रहे हैं, और वहाँ देखिए काफ़ी लोग आगे जा चुके हैं, ये शरारती देखिए। देखिए क्या हो रहा है, उनका बैलेंस बिगड़ने लगा, देखिए कितना ज़्यादा पानी है। तो फंस न गया, निकल गए निकल गए, बच गया। दोस्तों मैंने आपको दिखाया इस ब्लॉग में यहाँ का कंडीशन कैसा है, यहाँ पे पूरा पानी भर चुका है, सारी जगह पानी पानी, और रात को देखते हैं क्या होता है, फिर अगले वीडियो में आप देख पाएंगे कि कितना जलस्तर बढ़ा। और अभी तो पानी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, और ये बाइक भी लेकर के जा रहे हैं, देखिए सभी को ही पैदल ही जा रहे हैं, कोई अपना गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते इधर।